उस सीट पर मैंने रुमाल रखा था वो मेरी सीट है, लेकिन पहले बैठी मैं तो ये मेरी सीट हुई। ये देखकर चारी चिंतित हो गया और उनके पास गया। लड़ो मत मैडम, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा, रुकिए जरा। हाँ कंडक्टर साहब, क्या ये मेरी सीट हुई क्योंकि मैंने पहले रुमाल रखा, या ये इसकी सीट हुई क्योंकि यहाँ आकर ये पहले बैठ गई? तब चारी ने उन्हें उस सीट के पास सीनियर सिटीजंस का एक बोर्ड दिखाया। ये देखिए, ये सीट सीनियर सिटीजंस के लिए रखी गई है, आप दोनों में से जो भी बुजुर्ग हो केवल वही यहाँ बैठ सकती है। ये सुनते ही दोनों ही महिलाएं उस सीट से उठ गईं। मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 35 साल पार किए हैं और 40 पहुँचने वाली हूँ, तुम बैठ जाओ दादी। उस महिला ने ये व्यंग्यात्मक ढंग से कहा और बस के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आप यहाँ बैठ जाइए मैडम, वो तो चली गई हैं। मैं उस महिला की तरह बूढ़िया नहीं हूँ, उसके तो दांत भी नहीं है, किसी और को बिठा देना। इतना कहकर वो भी बस के पीछे चली गई और वहाँ जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर चारी चौक पड़ा। तभी एक पैसेंजर बोला, ये महिलाएं अपनी उम्र के प्रति कितनी सजग हैं। यही कारण है कि महिलाएं बस में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलोकेटेड सीट पर कभी नहीं बैठती। चारी को एक और झटका लगा जब वो बस में आगे चला। एक युवा लड़के ने चारी से पूछा, सर अगला स्टॉप कौन सा होगा? बस स्टॉप। क्या लड़कियां उस स्टॉप पर उतरेंगी? चारी ने उन महिलाओं की तरफ इशारा किया। वो दो बूढ़ी महिलाएं उतरेंगी, इंजॉय। चारी हंसा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने चारी को देखा जैसे कि उसे कुछ समस्या हो। ये देखकर चारी उस व्यक्ति के पास गया और पूछा, सुनो टिकट ले लो। मुझे दो टिकट्स दीजिए सर। चारी को लगा झटका। आप सिंगल है ना, फिर दो टिकट्स क्यों चाहिए? अगर मैं एक टिकट खो देता हूँ तो मेरे पास दूसरा टिकट दिखाने के लिए रहेगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे पास दूरदर्शिता भी है। अगर मैं दूसरा टिकट भी खो दूंगा तो मेरे पास बस पास है। चारी को कुछ समझ नहीं आया, उसने पूछा, इतने सारे टिकट लेने की बजाय एक को ही सुरक्षित रख लें, आप बेहतर रहेगा। दुर्भाग्य से अगर हम उस टिकट को खो देते हैं तो आप जैसे कंडक्टर हमें हैरान करेंगे, जैसे हमने कोई बड़ा अपराध किया हो। मैं कभी परेशान नहीं होता अगर कोई और मुझे चोट पहुंचाए, लेकिन मैं शांत नहीं रहता अगर कोई कंडक्टर मुझसे लड़ाई करता है। अरे हमने ऐसा क्या पाप किया है भाई, आप कंडक्टरों से इतने नाराज क्यों हैं? क्योंकि मेरा ससुर भी एक कंडक्टर ही है। तो क्या हुआ, उन्होंने आपके विवाह समारोह में कुछ गलत किया? उसने वादा किया था कि वो शादी पूरी हो जाने के बाद मुझे 10 लाख देगा। वादा निभाया? मेरा सर, वो निभाएगा अपना वादा? उसने मुझे शादी के समय 1 लाख दिए और शादी के निमंत्रण के पीछे उसी तरह लिखा जैसे वो एक बस में यात्रियों के टिकट के पीछे शेष राशि लिखता है। चारी से और झेलते नहीं बना और वो अपनी सीट पर बैठने जाने लगा। तभी वो युवा लड़का अपने साथी से बोला, अरे यार ये कंडक्टर बहुत सख्त दिखता है, बिना टिकट खरीदे यात्रा करना बड़ा मुश्किल कर देता है। मेरे पास इसके लिए एक अच्छा प्लान है। वो क्या? मैं अपने दोस्तों को कल टिकट जांच अधिकारियों के रूप में इस बस में जाने के लिए कहूंगा, फिर ये टिकट नहीं मांगेगा। वाह सुपर प्लान दोस्त। तब चारी सोचने लगा, मुझे पहले से ही इनकी योजना का पता चल गया है, इसलिए मैं उन नकली जांच अधिकारियों के साथ जो कल मेरे पास आएंगे एक खेल खेलूंगा। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। ओह मैं तो भूल गया, मुझे कल कुछ काम है, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। ठीक है तो हम फर्जी चेकिंग अधिकारियों का खेल किसी और दिन खेलेंगे। चारी उनकी ये बात नहीं सुन पाया। अगले दिन चारी नकली अधिकारियों के साथ एक खेल खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन चारी की बदकिस्मती कि असल जांच अधिकारी बस में चढ़ गए, ये सोचकर कि वे उन लड़कों वाले नकली अधिकारी हैं। बदमाशों, तुमको ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें करने में शर्म नहीं आती? उन अधिकारियों में से एक ने कहा, ए मिस्टर आप क्या बात कर रहे हैं, हम चेकिंग अधिकारी ड्यूटी पर हैं। ओहो क्या चोर शांत रहेगा अगर हम कहें कि वो चोर है? ये बेवकूफ मेरे सामने अपनी ताकत दिखा रहा है। आप किस नाटक कंपनी से हैं और इन टाई सूट और जूतों का किराया कितना है, या फिर इन्हें भी कहीं से चुरा के लाए हो? इससे बस में मौजूद सभी यात्री हंसने लगे। उन अधिकारियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मिस्टर चारी हम असली जांच अधिकारी हैं, ये रहा मेरा आईडी कार्ड। आईडी कार्ड देखकर चारी की हालत खराब हो गई। ओह क्षमा करें श्रीमान, मुझे लगा कि आप नकली अधिकारी हैं। लेकिन अफसर तो नाराज हो गया था।
इतनी सारी जनता के सामने आपने उच्च अधिकारियों का अपमान किया है, अब आपकी नौकरी खारिज की जाती है। और चारी कहीं का नहीं रहा। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।